दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो ये खबर देख चुके हैं तो अभी की मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर तीन तीन चोरनी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इस मुस्लिम बहन को हिजाब के साथ, पर्दे के साथ टीचर देख लिया, परीक्षा देने जा रही थी, आप लोगों को पता होगा, तो टीचर को लगा कि ये कहीं चोरनी तो नहीं है। सिर्फ मुस्लिम देखकर, हिजाब के साथ देखकर टीचर को लगा कि कहीं ये चोरनी तो नहीं है, कान के अंदर ब्लूटूथ छुपाकर तो नहीं आई है, हिजाब उतारने को कहा। हिजाब उतार कर दिखा दिया, तब पता चला कि ये चोरनी नहीं है। उसके बाद टीचर कहने लगे, तुम देशद्रोही हो और पाकिस्तान के लिए काम करती हो, मतलब खाती यहाँ हो और गाती पाकिस्तान के लिए हो। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाऊंगा, तीन तीन चोरनी पकड़ी गई है, वो भी हिजाब के साथ, बुर्के के साथ। वो चोरनी कौन है, मुस्लिम है या कोई और है, स्क्रीन पर दिखाऊंगा। साथ ही साथ जिस तरह टीचर ने कहा तुम यहाँ खाती हो और गाती हो पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए कौन काम कर रहा था यहाँ पर खा कर, वो भी दिखाऊंगा, वो भी पकड़ा गया है, स्क्रीन पर दिखाऊंगा। इस वीडियो को शेयर करके उन टीचरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो आइए एक तरफ से उन टीचरों को जवाब देता हूं। आइए सबसे पहले चोरनी के ऊपर देखिए, ये तीन नकाब वाली, बुर्के वाली पकड़ी गई है। ये कौन है, तीन हिंदू महिला बुर्का पहनकर चोरी की घटनाओं को दे रही थी अंजाम, ट्रेन के अंदर बुर्का पहन के जब पकड़ी गई तब पता चला ये मुस्लिम औरत नहीं है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन टीचरों को लगता है कि पर्दे वाले मुस्लिम बहनें चोरनी है, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात ये कही थी कि तुम यहाँ खाती हो और गाती हो पाकिस्तान के लिए, आप लोगों को पता होगा, इसीलिए आप लोगों को बताऊंगा कि कौन यहाँ पर खाकर, कौन पाकिस्तान के लिए गा रहा था, कौन पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। कुछ महीना पहले की खबर है, आपकी स्क्रीन पर एक बंदा पकड़ा जाता है, फर्जी सैन्यकर्मी बनकर पाकिस्तानियों को खुफिया जानकारी दे रहा था। नाम क्या है, आपके स्क्रीन पर पकड़े गए आरोपी का नाम शक्तिपाल चक बताया जा रहा है। वह फर्जी सैन्यकर्मी बनकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। टीचरों को लगता है कि मुस्लिम औरत जो पर्दे में रहा करती है वो चोरनी है, और जब लगता है कि चोरनी नहीं है, जब देख लिया कान के अंदर ब्लूटूथ नहीं है, तब ये बहन जब फिर हिजाब बांधने लगी, तब टीचर कहने लगे कि तुम देशद्रोही हो, ये हो पाकिस्तान के लिए काम करते हो। और एक खबर देखिए आपके स्क्रीन पर, कुछ महीना पहले की खबर है, सेना के जवान को गिरफ्तार किया गया था। नाम क्या है, वो भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, क्या कर रहा था देखिए। आरोपी जवान का नाम प्रदीप कुमार है, जिसे 21 मई को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 24 साल के प्रदीप कुमार पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी महिला जासूस को सेना से जुड़ी गोपनीय दस्तावेज सौंपे। पाकिस्तान के लिए कौन काम करता है, कौन यहां पर खाकर, आप लोग देख लिए। लेकिन कुछ टीचर लोग, कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमानों के ऊपर। तो कहना चाहता हूँ, मुस्लिम बहनें जो हिजाब करती हैं, पर्दा करती हैं, वो कोई गलत काम नहीं करती है। क्यों, क्योंकि इस देश में जब माँ सीता आई थी तो वो भी पर्दा करती थी, इस तरह से पर्दा करती थी। रामायण के मुताबिक उनका देवर लक्ष्मण जिंदगी भर सीता माँ का चेहरा नहीं देख पाए, आप समझ सकते हैं किस तरह माँ सीता पर्दा करती थी। तो कहने का मतलब है, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा टटोल लीजिए, उसके बाद इल्ज़ाम लगाया करिए। दोस्तों, पूरी वीडियो, पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। जो नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। फिर मैं मिलूँगा किसी दूसरी वीडियो के साथ।